इस एग्जाम्पल में हम लोग रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग एल्कोहल विथ HX देखेंगे। HX क्या है? HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है। तो देखो, जब एसिड हैलोजन एसिड के साथ एल्कोहल रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? तो देखो, लेट से मैं एक कोई मैकेनिज्म ले लेता हूँ जिसमें ये एल्कोहल है। इसमें HX में सबसे पहले HX जो होता है वो आयनाइज हो जाता है और H+ इस ऑक्सीजन को अटैक करता है, जैसा हम लोग को पता है। तो बनता फिर ये है OH2+। यहाँ पर CH3 था और यहाँ CH2 था। नाउ उसके बाद ये OH2+ जो यहाँ पर है, H2O, ध्यान से देखिए H2O है ये। तो दिस इज अ गुड लिविंग ग्रुप और ये H2O मॉलिक्यूल ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा और हम लोगों को पता है ये बन जाता है प्लस H2O, क्योंकि H2O अब न्यूट्रल हो गया, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप था वो। तो हम लोग देख सकते हैं कि कार्बोकैटायन बना, फिर क्या होगा? फिर X- आएगा और ये बन जाएगा। तो ये तो ये मैकेनिज्म हम लोगों को पता होता है। तो इस मैकेनिज्म में हम देखेंगे चाहे अल्कोहल कोई भी हो, मैकेनिज्म ऐसा ही लगभग फॉलो करता है। मींस कार्बोकैटायन बनता ही है, कार्बोकैटायन बनता ही है। तो यहां भी कार्बोकैटायन, यहां भी कार्बोकैटायन, हर जगह कार्बोकैटायन बनेगा। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कार्बोकैटायन जितना स्टेबल होगा रिएक्शन उतना फास्टर होगा। क्यों? क्योंकि ये जो स्टेप होता है ना, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इज द स्लोएस्ट स्टेप। तो ये जितना इजीली बनेगा उतना फास्टर होगा, ये जितना डिफिकल्टी से बनेगा उतना स्लोअर। अब इसका बनना फास्टर कब होगा? जब ये स्टेबल होगा। जितना अधिक स्टेबल होगा उतना आसानी से बनेगा, मतलब ये रेट उतना फास्टर, मीन्स ओवरऑल रेट विल बी फास्टर। तब करना क्या? ऑप्शन ए का कार्बोकैटायन देखिए। ऑप्शन ए का कार्बोकैटायन है CH2 डबल बॉन्ड CH+। ऑप्शन बी का कार्बोकैटायन है कार्बन कार्बन प्लस सी डबल बॉन्ड सी। अब मैं हाइड्रोजन नहीं बना रहा। सी का कार्बोकैटायन है CC+। डी का कार्बोकैटायन है CCC+। मैं सबको सर्कल कर, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बी का है, यहां रेजोनेंस है, ये कॉन्जुगेट, सो फास्टेस्ट विल बी बी, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। नेक्स्ट, उसके बाद देखो डी है, दिस इज सेकंड डिग्री कार्बोकैटायन, दिस इज 1 डिग्री, दिस इज अलाइलिक। अलाइलिक कैसे? डबल बॉन्ड के बगल वाला है, डबल बॉन्ड के बगल वाले पोजिशन को अलाइलिक बोला गया है। एंड दिस इज विनाइलिक। तो बी इज फास्टेस्ट बिकॉज अलाइलिक है, फिर सेकेंड डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो मीन्स ऑप्शन डी, देन सी एंड लास्ट विल बी ए। क्यों? डबल बॉन्ड पे कार्बन अगर प्लस हो जाएगा तो लेस स्टेबल है। क्यों? दिस इज sp हाइब्रिडाइज कार्बन एंड sp हाइब्रिडाइज कार्बन आर वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव। कार्बन प्लस इस कार्बन पे स्टेबल नहीं है। तो ऑर्डर ये होगा।